नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास जियो का F211S मॉडल आया हुआ है। दोस्तों इसमें दोस्तों प्रॉब्लम है कि ये जियो लोगो पे अटका हुआ है। दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, जूम करके आपको दिखा रहे हैं, F211S मॉडल है दोस्तों। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कैसे क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ऑन करके दिखा देते हैं सेट को कि एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो चलिए दोस्तों, मैंने अपना बैटरी लगा लिया है और ऑन कर लिया है। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, जियो का लोगो आ गया। बस इस तरह से दोस्तों आपको थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और प्रोसेस होने के बाद फिर से दोस्तों जियो के लोगो पे ही अटका रह जाता है, पूरा खुल नहीं पाता। तो इस प्रॉब्लम को कहाँ से दूर करेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल खोलने देते हैं कि खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। दोस्तों आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, तभी दोस्तों आपको पूरे अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम आपको वाटर डैमेज होने की वजह से भी हो जाता है दोस्तों, या कोई बटन शॉर्ट हो गया या आईसी से प्रॉब्लम हो गया तो भी ये हैंग ऑन लोगो हो जाता है। लेकिन कभी कभी ज़्यादातर दोस्तों ये सॉफ्टवेयर का इशू हो जाता है। तो इसको हम सबसे पहले रीसेट करके देखेंगे, उसके बाद इधर से नहीं हो रहा है दोस्तों तब हम मोबाइल को खोलने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसको हार्ड रीसेट करके ही पहले फिक्स करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो फिर इस पर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपना बैटरी पहले खोल लेते हैं। खोलने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों, ये है पावर बटन, इसको एक बार दबाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम एट नंबर वाला बटन जो है इसको हम दबा के रखेंगे और इसके बाद पावर को ऑन करेंगे। जब जियो का लोगो दिख जाए दोस्तों तो हम पावर बटन छोड़ देंगे। इस तरह से छोड़ने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए, जूम करके आपको दिखा देते हैं। उसके बाद दोस्तों डाउन वाला बटन दबा करके नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, तो इस पर लाएंगे और इसके बाद दोस्तों एक बार पावर बटन दबा देंगे। पावर बटन दबाने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए यस करने के लिए बोल रहा है, तो हम यस करेंगे। नो पर है पहले, तो यस करेंगे, उसके बाद फिर से पावर बटन दबा देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, पावर बटन दबाने के बाद फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, यानी कि मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो रहा है। फॉर्मेट थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, उसके बाद रिबूट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, रिबूट का ऑप्शन मेरा आ चुका है। जूम करके आपको दिखा देते हैं, देखिए रिबूट सिस्टम ना हो तो फिर एक बार पावर बटन दबाएंगे दोस्तों। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और मेरा मोबाइल रीस्टार्ट होने लगेगा, उसके बाद मेरा मोबाइल खुल जाएगा। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों, इसको इसमें दोस्तों कोई भी बटन बीच में नहीं दबाना है, इसको पूरा प्रोसेस होने देते हैं, ये खुद पे खुद मोबाइल खुल के तैयार हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों, ये अपना प्रोसेस ले करके, उसके बाद थोड़ा सा सेटअप करना होगा लैंग्वेज सेटिंग का, तो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम इसको ऑन होने देते हैं। जियो फोन थोड़ा सा समय लेता है दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार कीजिए दोस्तों। आखिरकार यहाँ देखिए दोस्तों, आ गया मेरा। अब यहाँ से जो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से दोस्तों इंग्लिश USA करेंगे और उसका नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। पहले यहाँ ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ देखिए एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट, और फिर से यहाँ देखिए मेरा आखिरकार सेटअप हो चुका है और मेरा मोबाइल भी चालू हो चुका है दोस्तों। तो इसी तरह का देसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।